नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। दिल से अगर चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस ₹4 के पेनी स्टॉक के बारे में, जिसके ऊपर 3 से 4 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, बेस्ट पेनी स्टॉक बिलो ₹5 में। ठीक है, स्टॉक उस समय 4.70 रुपए ट्रेड कर रहा था और स्टॉक का नाम इंटेलीवेट कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड था और उस समय स्टॉक आपका लोअर सर्किट में था और इस स्टॉक ने हमारा जो पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर ये स्टॉक में अभी क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको जानना है कि स्टॉक में क्या करना है तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हो। अभी जो स्टॉक का प्राइस है ₹7.14 का ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ आपको सजेस्ट किया था और इसने जो पैसा हमारा देखो 48% रिटर्न तो अभी दे रहा है, बाकी इसने हाई भी लगाया था ₹9 के आसपास का। ठीक है, अब ये स्टॉक मुझे अच्छा क्यों लगा था, अगर आपने वो वीडियो देखा होता मैंने इसका फुल वीडियो में अपलोड किया था, आई थिंक ये स्टॉक अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो अभी इस स्टॉक में क्या कर सकते हो, अभी ये स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो झूल रहा है, जिसको अच्छा रिटर्न बन गया कुछ महीनों के अंदर वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करे, जिनको नहीं बना है ठीक है, जो लोग बाय करना चाहते हैं तो बाय करने की सलाह अभी नहीं है, थोड़ा इंतजार करो थोड़ा नीचे गिरने का। ठीक है, अगर स्टॉक दोबारा ₹6 के प्राइस में आता है तो आप एक्युमुलेट कर सकते हो, और बड़ी बात नहीं है, ₹6 आ जाएगा आराम से आ सकता है। ठीक है, तो ₹6 आता तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि अभी क्या कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं जैसे उस समय शायद आ रहे थे, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं कि नंबर्स कैसे थे, पर इतना याद है कि अगर वीडियो बनाया मैंने तो दो रीजन से वीडियो बनाता हूँ, या तो उसका बुक वैल्यू अच्छा होगा या कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होंगे या फिर उसका चार्ट पैटर्न अच्छा था, तो चार्ट पैटर्न तो मुझे अच्छा लग रहा है, साथ में इसके फाइनेंशियल भी अच्छे होने चाहिए। आप देख सकते हो जो स्टॉक का मार्केट कैप है 22 करोड़ का है और अभी ₹9 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है और ROC पॉजिटिव है और रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, प्लेज होल्डिंग ₹1 की नहीं है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री थी। आप देखो और देखो ये रहा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया ना, कंपनी लगातार रिपीट प्रॉफिट दे रही है और ये ईयरली प्रॉफिट है, ध्यान रखना ईयरली प्रॉफिट है। ठीक है, और पे आउट नहीं कर रही आपको डिविडेंड, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोच रही है। ठीक है, इसी वजह से मैंने स्टॉक आपके साथ शेयर किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्वार्टरली नंबर देखो 20 लाख की सेल्स है, यहाँ 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है और ईयरली का देखो लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कंपनी बना के दे रही है आपको। ठीक है, और यही एक रीजन था स्टॉक का अपना शेयर करने का और वो रीजन देखो आज हमें काम भी कर रहा है, पैसा कमा के भी दे रहा है। ठीक है, जो कंपनी का डेटा 0 का है और साथ में जो रिजर्व लग रहा है ग्रो हो रहे हैं, एंड अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखो ओहो एक और रीजन मिल गया यहाँ पर, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 43% थी और 75% होगी, मतलब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी स्टॉक पे, तो ये भी एक तीसरा सबसे बड़ा लॉजिक था स्टॉक का आपके साथ शेयर करने का। अब लॉजिक समझ आ गया कि मैं लॉजिक के साथ आपके साथ ये स्टॉक शेयर किया था। पहला लॉजिक नंबर क्या था, कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में थी और आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही थी। दूसरा लॉजिक था डेट फ्री कंपनी थी और तीसरा सबसे बड़ा लॉजिक था प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी इस पेनी स्टॉक में, इसी वजह से स्टॉक आपके साथ शेयर किया था। समझ गया, तो ये तीन लॉजिक काफी है किसी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। और सबसे बड़ा लॉजिक होता है वो चौथा लॉजिक, वो होता है प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस में आप एंट्री करना चाहते हो कि आपको मिल रहा है सस्ता मिल रहा है, तो उस समय स्टॉक का प्राइस सस्ता था लेकिन करंट महीने में क्या सस्ता है, मेरे हिसाब से सस्ता नहीं है। इंतजार करोगे तो और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, नहीं करोगे इंतजार तो महंगा प्राइस में आपको बाय करना पड़ेगा, जिसकी सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगा। और यहाँ देखो वॉल्यूम स्टॉक में थोड़ा कम आता है, ठीक है हजारों में वॉल्यूम आता है, उसके बावजूद भी 100% डिलीवरी स्टॉक पे हमें उठाने को मिल जाती है। तो सब देख सकते हो मैंने स्टॉक का चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, ये स्टॉक का रजिस्ट्रेशन एरिया है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये लगातार रजिस्ट्रेशन एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1, 2, 3 एंड स्टॉक का सपोर्ट एरिया के आसपास था, ये सपोर्ट एरिया है 1, 2, 3, तो स्टॉक का सपोर्ट बनता है 4-4.5 रुपये। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बनता है 9 और 8.5 रुपये के आसपास, तो स्टॉक लगातार रजिस्ट्रेशन सपोर्ट के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो भाई मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, लॉन्ग टर्म स्टॉक को बाय मत करना, शॉर्ट टर्म में जितना गेन करना करके मार दो, स्टॉक में वॉल्यूम देखो बहुत कम है। ठीक है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना अगर करना चाहते हो, प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, अगर दोबारा 6 रुपये मिलता है तो आप स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हो। ठीक है, रीजंस आपके सामने 3 रीजंस थे, डेट फ्री, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे रही है लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे जिससे स्टॉक मुझे अच्छा लगता था तो आपके साथ शेयर किया था उस समय। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपने इस वीडियो को इस स्टॉक को बाय किया हो और पैसा कमाया हो। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अगर ऐसे पेन स्टॉक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।